hello grade 5 students welcome back to maths class in this video we will continue with explanation and textual exercise portion of chapter number 4 parts and holes on page number 64 we have been given a topic and its name is parts of the strip look at the picture write what part of the strip is each green piece write the part for a piece of each color ठीक है हमें क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें हर एक पीस का पार्ट लिखना है ठीक है और उसके बाद हमें थ्री क्वेश्चन दिए हैं वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन नोटबुक ओनली ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन आवर टेक्स्ट बुक वील राइट द पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ पिंक स्ट्रिप इन विच वी विल राइट वन बिकॉज इट इज होल उसमें कोई भी पार्टीशंस नहीं किए गए हैं ना देन वी हैव टू येलो कलर्ड स्ट्रिप्स इन विच वी विल राइट वन अपॉन टू वाई बिकॉज इट इज हाफ ऑफ द फर्स्ट पिंक स्ट्रिप ठीक है ना ये जो येलो कलर की दो स्ट्रिप्स हैं वो फर्स्ट पिंक स्ट्रिप की क्या है हाफ है तो हम क्या लिखेंगे वन अपॉन टू देन इन दीज ब्लू स्ट्रिप्स वी विल राइट वन अपॉन फोर एंड लास्टली इन लास्ट ग्रीन स्ट्रिप्स ठीक है जितनी भी ग्रीन स्ट्रिप्स है उसमें हम क्या लिखेंगे वन अपॉन एट देर आर एट पार्टी दीज आर एट पार्टी ऑफ पिंक स्ट्रिप नाउ वी हैव अ क्वेश्चन हाउ मैनीक अ हाफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू राइट इन अवर नोटबुक कितने वन फोर्थ्स को प्लस करेंगे तो हमें हाफ़ मिलेगा तो हमारा आंसर क्या होगा टू वन फोर्थ विल मेक अ हाफ यानि कि दो बार अगर वन फोर्थ को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हाफ मिलेगा हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं उसको देखो वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर नाव सी डिनोमिनेटर इज़ सेम अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं तो वो एज इट इज़ रहेगा वील ओनली एट द न्यूमरेटर सो वन प्लस वन इज इक्वल्स टू टू अपॉन फोर नाओ वॉट वील डू वील डिवाइड टू अपॉन फोर विद द टेबल ऑफ टू टू अपॉन फोर को हम टू की टेबल से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा टू वन जा टू 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 जा फोर यानी कि वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू हाफ सिमिलरली नंबर थ्री हाउ मेनी वन एट विल मेक वन फोर्थ यानी कि कितनी बार वन ऐट को प्लस करेंगे तो हमें वन फोर्थ मिलेगा तो आंसर क्या है टू वन एट विल मेक वन फोर्थ वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन एट इज इक्वल्स टू टू अपॉन eight ठीक है वी आर नॉट गोइंग टू deno डिनोमिनेटर we'll जस्ट add द न्यूमरेटर सो two अपॉन eight डिवाइड by टेबल ऑफ two सो so, two ones are two two four's are eight सो so, what इज़ our आंसर one अपॉन four ठीक है हमें क्या पूछा था कि कितने वन एट्थ को प्लस करेंगे तो वन फोर्थ मिलेगा तो अगर हम वन एट को टू टाइम्स प्लस करेंगे तो हमें वन फोर्थ मिल जाएगा नाउ नंबर फोर हाउ मेनी वन एर्थ आर देयर इन हाफ यानी कि हाफ में कितनी बार वन एर्थ आता है तो हमारा आंसर क्या है फोर वन एर्थ आर इन हाफ तो हम क्या करेंगे वन एर्थ को फोर टाइम्स प्लस करेंगे ठीक है अगेन डिनोमिनेटर इज सेम तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे वील जस्ट एड द न्यूमरेटर नाउ वी हैव वन फोर टाइम्स इन न्यूमरेटर है ना वन फोर टाइम्स दिया गया है तो हम क्या करेंगे वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन इज इक्वल्स टू फोर अपॉन एट अब हम क्या करेंगे फोर अपॉन एट को फोर की टेबल से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा फोर वन ज़ा फोर फोर टू ज़ा हाफ यानि कि अगर हम वन एट को फोर टाइम्स प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हाफ ठीक है नाउ वी हैव वन मोर टॉपिक ऑन द सेम पेज दैट इज patterns ठीक है क्या है हमें एक और टॉपिक दिया है सेम पेज पे उसका नाम क्या है टॉपिक का पैटर्न्स ठीक है लुक एट द स्क्र हमें एक ऐसा कलरफुल स्क्वायर दिया गया है एंड वी हैव सम क्वेश्चन रिगार्डिंग इट सो वॉट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वॉट पार्ट इज कलर्ड ब्लू ठीक है क्या पूछा है कि ये जो स्क्वायर है इसका कितना पार्ट जो है वो ब्लू कलर्ड है ठीक है तो हम कैसे फाइन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वील यूज अ स्केल एंड पेंसिल एंड ड्रॉ स्क्वेयर्स सिक्सटीन स्क्वेयर्स इन दिस बिग स्क्वेयर ठीक है ये जो बड़ा सा ग्रिड है इसके अंदर हम सिक्सटीन स्क्वेयर्स ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ वाइट ग्रीन एंड ब्लू स्क्वेयर्स ठीक है यू हैव टू ड्रॉ दी स्क्वेयर्स इन योर टेक्स्ट बुक एंड यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन इन योर नोटबुक ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट पार्ट इज कलर्ड ब्लू यानी कि कितना पार्ट ब्लू कलर का है तो हम कैसे फाइन करेंगे टोटल कितने स्क्वेयर्स हैं सिक्सटीन फ्रॉम विच टू स्क्वेयर्स आर कलर्ड ब्लू तो हमारा आंसर क्या होगा टू अपॉन सिक्सटीन अब टू अपॉन सिक्सटीन में कटिंग पॉसिबल है यस टू वन जार टू टू एट जार सिक्सटीन यानी कि वन अपॉन एट तो हम आंसर कैसे लिखेंगे फ्रॉम द अब फिगर वी कैन से दैट आउट ऑफ स्क्वेयर्स स्क्वेयर्स आर कलर्ड ब्लू दैट इज टू अपॉन सिक्सटीन और वन एट पार्ट इज कलर्ड ब्लू नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वॉट पार्ट इज ग्रीन यानी कि ग्रीन कलर का कितना पार्ट है तो यहाँ पे ये जो हमारा कलरफुल स्क्वायर है इसमें हम देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का एक ही बॉक्स है तो हमारा आंसर क्या होगा वन अपॉन सिक्सटीन तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे फ्रॉम द अब फिगर वी कैन से दैट आउट ऑफ सिक्सटीन स्क्वायर्स वन स्क्वायर इज कलर्ड ग्रीन यानी कि टोटल सिक्सटीन स्क्वायर में से वन स्क्वायर क्या है ग्रीन कलर का है दैट इज 1 upon 16 part is colored green. Theke? I hope you have understood this question properly. Now we will meet in the next part of the video. Till then, bye bye.